इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया की कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में, और देवरा मूवी का सेकंड गाना जो है उसको ड्रॉप किया गया है। बात करेंगे ये गाना भी कैसा लगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू मूवी डेयरी, मैं हूं शुकेंदु। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर गाने के बारे में बात करूं तो आपको बता दूं, ये जो गाना है इसको कंपोज किया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने, और मैंने ये जो गाना है इसको हिंदी और तेलुगु में ही सुना है, बाकी का लैंग्वेज में मैंने नहीं सुना है। गाई है शिल्पा राव ने, बोथ हिंदी एंड तेलुगु वर्जन में शिल्पा राव ने ही गाई है। अब अगर गाने की बात करूं, अगर मैं इसको गाने के हिसाब से एनालाइज करूं तो देखिए, गाना जो है इसके अंदर से वो एक गाना आई थी ना, मनी के मगे ही थे, वही वाला वाइब्स आ रहा है इस गाने से भी। और गाना जो है बहुत ख़ास कुछ है नहीं, मतलब कि ये एक ऐसा गाना है जब तक इस फिल्म का क्रेज़ है तब तक ही चलेगा, फिर फिल्म जो है मार्केट से उठ जाएगा तब ये गाना भी हट जाएगा। मतलब इसके अंदर स्पेशलिटी कुछ है नहीं कि एवरग्रीन एक गाना बन जाएगा, बहुत ही नॉर्मल सा एक गाना है, गाने के अंदर ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और वैसे भी मुझे बराबर से ये लगता है कि अनिरुद्ध रविचंद्र जो है वो एक बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, वो बहुत अच्छे म्यूज़िक बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट करते हैं, लेकिन वो एक अच्छा कंपोज़र है नहीं। कभी कभी उनका गाना अच्छा लगता है, जैसे कि जेलर का वो जो गाना था हुकुम, वो गाना भी बहुत अच्छा था, लेकिन बस वही तक। ज़्यादातर उनका गाना जो है उसके अंदर ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि एवरग्रीन हो जाएगा ये गाना, बहुत दिनों तक चल जाएगा, ऐसा बहुत ही कम होता है। ऐसा ही एक गाना था, हिंदी में तो ये गाना अजीब लग रहा था सुनने में, तेलुगु में फिर भी अच्छा लग रहा था लिरिक्स की वजह से इसको सुनने में। तो अगर आपने ये गाना सुना है तो कॉमेंट करके बताना। और अगर मैं इसके विजुअल्स के बारे में बात करूँ तो विजुअल्स जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एनटीआर और जाह्नवी कपूर दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है, और इन दोनों का कुछ मूव्स भी बेसिकली ये एक लिरिकल गाना है, लेकिन कुछ मूव्स यहाँ पर दिखाया गया है और वो जो मूव्स है काफ़ी कूल है। और जाह्नवी कपूर को ग्लैमरस लग रहा है, उनको ग्लैमरस वे से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। और आपको पता ही है एनटीआर जो है बहुत अच्छा एक डांसर है, और यहाँ पर उनके मूव्स जो है छोटे छोटे मूव्स है, बहुत कूल लग रहा है। पूरे गाने के अंदर जो कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया गया है बहुत ही अच्छा है, एक ब्राइट कलर ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो यही है मेरा एनालिसिस गाने को लेकर। अगर आपने देखा है ये गाना तो ज़रूर कमेंट करके बताना विजुअली और गाने के हिसाब से आपको ये गाना कैसा लगा। और अगर अब हम अपडेट के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा है कि आदि विशेष की मूवी गुडाचरी का जो है 6 साल कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मेकर्स की तरफ से गुडाचरी 2 का कुछ स्टिल्स जो है अनवील किया है, जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं इमरान हाशमी को भी। और आपको बता दूं ये जो मूवी है इसका 40% शूट जो है कंप्लीट हो चुका है, और इसको 2025 में रिलीज कर दिया जाएगा। अगला अपडेट है सन ऑफ सरदार 2 से। सन ऑफ सरदार 2 से अपडेट ये है कि इस मूवी के अंदर हम 11 कलाकारों को देख पाएंगे, मतलब नए 11 कलाकारों को इसके अंदर ऑनबोर्ड किया गया है सपोर्टिंग कास्ट में। और ये जो कलाकार हैं इनके नाम है रवि किशन, विजय राज, चंकी पंडे, नीरज बाजवा, दीपक डोबरियाल, कुबड़ा सायत, विंदु दारा सिंह, मुकुल देव, शरद सक्सेना, रश्मि वालिया, अश्विनी कलसेकर। अगला अपडेट है इस साल की शंकर डायरेक्टेड कमल हसन स्टारर डिजास्टर मूवी इंडियन 2 को लेकर। इंडियन 2 जो है नेटफ्लिक्स पर आ रही है 9 अगस्त को, आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए इंडियन 3 तो आएगा ही आएगा, इसका शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका है, तो इंडियन 2 जो है बहुत ही डिजास्टर एक मूवी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं। डायरेक्टर विक्रमादित्य मोतवाने की अपकमिंग कटिंग ऑफ एज थ्रिलर मूवी जिसका नाम है CTRL मतलब कंट्रोल, इसका जो है अब रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है, 4 अक्टूबर इसको रिलीज़ किया जाएगा नेटफ्लिक्स के अंदर। और इस वेब सीरीज के अंदर हम देख पाएंगे अनन्या पांडे और विहान सामट को। अगला अपडेट है अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी हाउसफुल 5 से। अब इस फिल्म के अंदर ऑनबोर्ड किया गया है फरदीन खान को। माधुरी दीक्षित अब नजर आने वाली है एक सीरियल किलर वेब सीरीज के अंदर। इस वेब सीरीज का नाम है मिसेस देशपांडे, और ये जो सीरीज है ये एक फ्रेंच वेब सीरीज का रीमेक होने जा रही है। आपको तो पता ही है आयुष्मान खुराना जो है मेघना गुलजार डायरेक्टेड अपकमिंग मूवी दायरा के अंदर नजर आने वाले थे, जिसके अंदर हम करीना कपूर को भी देख पाएंगे। ये जो मूवी है 2019 की एक रेप केस के ऊपर बेस्ड है, और ये जो मूवी है इस यहाँ से आयुष्मान खुराना जो है बैकआउट कर चुका है, और ये कहा जा रहा है रीज़न कि शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि डेट इश्यूज़ की वजह से वो जो है बैकआउट कर चुका है। NTR 31 मतलब जूनियर NTR की अपकमिंग मूवी NTR 31 जिसका टाइटल है ड्रैगन, अब इसका जो शूटिंग है सितंबर के 1st वीक से स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जूनियर NTR जो है देवरा पार्ट 1
रिलीज होने के बाद ही इस शूटिंग टीम के साथ ज्वाइन करने वाले हैं। तो यही था अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।